रानी दुर्गावती की, महात्मा गांधी की। मंच पर विराजमान हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हुए भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुट मणि, और केवल देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच आदि उत्सव का शुभारंभ करने आए तो दोनों हाथ ऊपर उठा के और तालियां बजा के माननीय मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारी यशस्वी राज्यपाल बहन श्रीमती आनंदीबेन यहां विराजमान है, उनका भी स्वागत है। हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्य मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, हमारे स्थानीय मध्य प्रदेश के मंत्री भाई गोपाल भार्गव जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, संजय पाठक जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी बहन संपत्तिया उइके जी, यहाँ पधारे हुए देश भर से पंचायत राज के सभी प्रतिनिधिगण और आदि उत्सव में पधारे हुए बहनों भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज हम सब गदगद हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पंचायत राज प्रतिनिधियों का सम्मेलन पहले जबलपुर में होना था, लेकिन जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पता चला कि रामनगर में आदि उत्सव का शुभारंभ हो रहा है, तो उन्होंने कहा जबलपुर नहीं रामनगर अपने जनजाति भाई और बहनों से मिलने जाऊंगा और आदि उत्सव में भाग लूंगा। आज मैं आदि उत्सव में भाग लेने हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनका स्वागत इसलिए कि 2400 घंटे अगर उनका दिल धड़कता है तो आम जनता के लिए धड़कता है, गरीबों के लिए धड़कता है, भारत का मान सम्मान और शान। एक तरफ रानी दुर्गावती जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, भयानक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अकबर की सेना को मात देने वाली रानी दुर्गावती हमारे गर्व का गौरव का विषय है, हम उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत का मान सम्मान और शान ऊंची पूरी दुनिया में की है, तो हमारे लाडले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की है। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये खजाना हमारे देश का सबके लिए है, लेकिन सबसे पहले उनके लिए है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे जनजाति भाई बहन, हमारे गरीब भाई बहन। पहला हक अगर प्रदेश के देश के संसाधनों पर है तो उन गरीबों का है, और इसलिए एक तरफ सस्ता राशन गरीबों को, जनजाति भाई बहनों को, सबको सस्ता राशन, और दूसरा उनका संकल्प कोई गरीब हिंदुस्तान की धरती पर, कोई आदिवासी भाई और बहन बिना मकान के नहीं रहेगा। अरे ये प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने उस बहन को, आदिवासी बहन के उस दर्द को समझा जो चूल्हे से निकले हुए धुएं के कारण अस्वस्थ और बीमार होती थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है इस मंडला जिले में भी अब ऐसी पंचायत है जो धुआं रहित है, और वैसी एक सरपंच को प्रधानमंत्री जी स्वयं सम्मानित करने वाले हैं। यह हमारे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने तय किया दूर दराज का गांव हो, आदिवासी गांव हो, उस गांव के भी हर घर में बिजली का बल्ब होगा, बिना बिजली के नहीं रहेगा। और मुझे कहते हुए गर्व है मेरे आदिवासी बहनों भाइयों को भी, अक्टूबर 2018 तक मध्य प्रदेश का कोई घर जनजाति भाई बहनों का, गरीब भाई बहनों का बिना बिजली के नहीं रहेगा। तेजी से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश की धरती पर इन्हीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 13,50,000 मकान, जिनमें से 6 लाख लगभग पूरे हो गए, शहरी अलग है, ये मैं केवल गांव के बता रहा हूँ, 13,50,000 शहरों के मिला लें
तो एक साल में 20 लाख मकान, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो 2022 तक किसी गरीब को बिना मकान के नहीं रहने देंगे। पहले कब किस सरकार ने ये किया था मेरे बहनों और भाइयों? अभी अभी योजना बनी मोदी केयर, गरीब बीमार हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, पूरा परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं जिनने आयुष्मान भारत योजना बनाई और मोदी केयर के नाम से 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर इलाज के लिए हर गरीब को मिलेगा। बहनों और भाइयों, लगभग 50 करोड़ आबादी, कब किस प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए इतना काम किया था? एक बात के लिए और अभिनंदन कीजिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री जी मुझे बताते हुए गर्व है, ये गोंडवाना, ये मंडला जिला, यहाँ 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं। ये आदिवासी भाई और बहन बेटियों का सम्मान करते हैं, बेटी के आने में बाधा पैदा नहीं करते, लेकिन छेड़छाड़ या दुराचार की घटनाओं में ये प्रधानमंत्री है जिनके नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे मौत की सजा, फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। हम अभिनंदन करते हैं प्रधानमंत्री जी, ऐसे ऐतिहासिक फैसले माँ बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए आपने किए हैं। किसानों की आय दोगुना करना, ये मंडला जिला माननीय प्रधानमंत्री जी, ये डिंडोरी जिला, ये संपूर्ण जैविक जिले हैं हमारे, आज भी केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते, उसका रोड मैप आपके नेतृत्व में बना है, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए ये सरकार आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे कहके भी प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना दिल्ली में बनाते हैं, केंद्र सरकार दिल्ली में बनाती है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मध्य प्रदेश की सरकार लगातार करती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, कोई गरीब और आदिवासी बिना जमीन के टुकड़े के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब और आदिवासी बनाया जाएगा। पट्टा देने का अभियान चल रहा है, वनाधिकार कानून के बारे में हमने 2 लाख से ज्यादा पट्टे दिए हैं, और जो बच गए फिर से एक बार स्क्रीनिंग करके उनको पट्टे देने का अभियान चल रहा है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को बता रहा था, ये मंडला जिला मेरे आदिवासी बेटा बेटी चमत्कार कर रहे हैं, जेई मेंस की परीक्षा में 250 से ज्यादा आदिवासी, 280 आदिवासी बेटा बेटी पिछले साल सफल हुए, और केवल जेई मेंस नहीं नीट की परीक्षा में सफल हो रहे हैं। इसी मंडला जिले के IIT में पढ़ने वाले बेटा मधुराज कुड़ापे, लक्ष्मीकांत झारिया, विवेक मार्को, निखिल सयाम, ये सब IIT में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। और मध्य प्रदेश में हमने तय किया अपने बेटा बेटियों को कि जो गरीब हैं, आदिवासी बेटा बेटी हैं, पहली से लेके PhD तक की पढ़ाई की फीस उनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे नित नए चमत्कार कर रहे हैं। मैं उन योजनाओं के बारे में आज विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन आज एक प्रसन्नता का विषय बहनों और भाइयों, मोदी जी आज आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए। जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए आज एक रोड मैप का विमोचन करने वाले हैं, और मुझे कहते हुए खुशी है आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, और अकेले सिंचाई के लिए 40,000 करोड़ रुपया खर्च करके 2 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था अगले 5 सालों में की जाएगी। सड़कों के लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, कृषि के लिए, आजीविका के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए, आदिवासी परंपराओं के लिए, आदिवासी जीवन मूल्यों के लिए, महापुरुषों के स्मारक के लिए, अलग अलग कामों के लिए, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। अगले पांच साल में सीधे 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। ये विशेष योजना बनाइए, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और उसका 5 साल में क्रियान्वयन करके जनजातीय क्षेत्रों की हालत बदलने का काम करेंगे। वैसे तो उनके नेतृत्व के कारण ग्रामीण विकास ऐसा हुआ है कि 70,000 किलोमीटर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें बनी है, लेकिन 13,000 किलोमीटर सड़कें तो गांव में बना दी है सीमेंट कंक्रीट,
ये गाथा इतनी लंबी है कि कितनी देर तक कही जाए। हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं केवल मोती महल के बारे में। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये मोती महल फिर से अब संरक्षित स्मारक रहेगा और इसका संपूर्ण जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यह फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। यहीं पे विष्णु मंदिर का निर्माण गोंड शासक हृदय शाह की रानी सुंदर देवी के द्वारा करवाया गया था, जहां शिव गणेश दुर्गा और सूर्य की प्रतिमाएं भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ स्थापित है, उसका भी संपूर्ण जीर्णोद्धार करवाने का काम किया जाएगा। गोंड संस्कृति के अध्ययन के लिए, शोध के लिए एक केंद्र भी यहां मध्य प्रदेश सरकार प्रारंभ करेगी। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक बार फिर 2,00,000 करोड़ रुपए का 5 साल के अंदर आदिवासी क्षेत्रों में काम होगा। ये पैकेज आज मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को मिलेगा। आइए इसके लिए एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वो देश बदल रहे हैं, दिन और रात काम करते हैं, जी जान एक करते हैं, और मध्य प्रदेश की सारी जनता उनके सारे प्रयासों में उनके साथ खड़ी है। मोदी जी के पीछे पूरा मध्य प्रदेश खड़ा है। आइए उनके संकल्पों को पूरा करने का संकल्प हम भी लें। स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ, बेटा बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त समाज बनाओ, ये जो अनेकों संपन्न माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, वो पंचायत राज के प्रतिनिधि भी और आम जनता जनार्दन भी खुद लग के साकार करेगी। ये संकल्प भी हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ लेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम इन संकल्पों को पूरा करने की शपथ लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, पीछे तक, दाएं बाएं, इस तरफ भी उस तरफ भी, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, फड़ा पहनता सेवा सेवा।